صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی صلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلک واصحابک یا جد الحسنین उनकी गली में पहुँच कर मफहूमे ज़िंदगी मिला उनकी गली में पहुँच कर मफहूमे ज़िंदगी मिला लज़्ज़त इज़्ज़त मिल गए और ज़ौक़े बंदगी मिला उनकी गली में पहुँच कर मफ़हूमे ज़िंदगी मिला और तौरे तलब नहीं हमें लेकिन दरे हुज़ूर से तौरे तलब दरे हुजूर से मांगा तो तब भी मिला ना मांगा तब भी मिला उनकी गली में पहुँच कर मफ़हूमे ज़िंदगी मिला और रिश्ताए बंदा खुदा हो चुका था मुनक़ता के रिश्ताए बंदा खुदा कता वल्लाह के ही तुफैल रब से है आदमी मिला उनकी गली में पहुँच कर मफ़हूमे ज़िंदगी मिला उम्म को हैं मिले अम्बिया रसूल मगर सारी उम्म को हैं मिले अम्बिया रसूल मगर हम खुश नसीब हैं हमें नबियों का भी नबी मिला उनकी गली में पहुँच कर मफ़हूमे ज़िंदगी मिला और ज़ाते हबीब पर सही भेजता है खुदा दुरूद ज़ाते ज़ाते हबीब पर सही भेजता है खुदा दुरूद किस्मत हमारी
देखिए शर्फ ये हमको भी मिला, उनकी गली में पहुँच के। दरअसल अल्लाह ते ओदे रसूल नूं तकलीफ देण दे बराबर है। हजरत हुण मैं एक सेंटेंस बोलन लगा ते फिर अपनी तकरीर दे उनवान वल आउना। हजरत इस हदीस तों ए वी पता चलिया कि जिहड़ा बंदा काबा दी तोहीन करे ओदे पिछे नमाज नहीं हुंदी, जिहड़ा बंदा काबा दी तोहीन करे उस इमाम दे पिछे नमाज। फिरका वारियत तों पाक गल करन लगा, मेरी गल ते गौर करे, मैं की दर्श दे के जान लगा। हजरत अबू दाऊद की रिवायत दसती है, जिहड़ा काबा दी तोहीन करे उस इमाम दे पिछे नमाज नहीं हुंदी, ते जिहड़ा काबा दी तोहीन करे उस इमाम दे पिछे अगर नमाज नहीं हुंदी, ते जिहड़ा काबा ते काबा बतूल ते पाक बाबा दी तोहीन करे उहदे पिछे नमाज कीवें हो सकदी। अन इब्ने जुरैज रदियल्लाहु तआला अन्हु काल अन्न नबी صلى الله عليه وسلم كان اذا راى البيت رفع يديه قال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابا اللهم زد من شرفه قدمه سمه ممن حجه اعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا او كما قال عليه السلام। वकार हजरत जनाब इब्ने जुरैज उमरवी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिदो खाना काबा शरीफ दे करीब आंदे, मेरे नबी दी निगाहे नबुव्वत खाना काबा दी चौहद्दी ते पैंदी, नबी पाक अलैहिस्सलाम अकीदत नल दोवे हाथ उठा लैंदे, हाथ उठा के मेरे मुस्तफा दी जबान दुआ विच मशगूल हो जांदी। सरकार दी दुआ दे जुमले सुनना दराओ, सरकार अर्ज करदे बारगाहे खुदा विच, अल्लाहुम्म ज़िद हाज़ल बैत तशरीफ़म व तअज़ीमम व तकरीमम व महाबा, ए अल्लाह इस इज्जतां वाले घर दियां इज्जतां अंदर हैबतां अंदर जलालतां अंदर इजाफा फरमा। जुमला सुनना सरकार, दुआ कर दे اللهم زد شرفه قدمه سمه من حجه اعتمره تشریف و تعظیم و تکریم و برا، کہ مولا جڑا اس عزت والے گھر دی عزت کرے، جڑا اس ہیبت والے گھر دا ادب کرے، جڑا ایدا حج کرے یا عمرہ کرے، تیرا پیارا نبی او دے واسطے دعا کردا اے، اونوں نیکی دی توفیق وی دے دے، اس इज्जत करन वाले दी इज्जत नु चार चांद लगा दे। आली वकार हजरात मैं फरमाने मुस्तफा सुना दिता, तुसा सारा सुन लिया, ओ मगर इस गल दी तह विच तुसा नहीं उतरे, पर मैनू उच्ची जगह ते ताई ते बिठा के तकरीर सुनन वास्ते आंदे हो कि मैं गल्लां दी गहराई विच तुसा नु लेके जावां। आली वकार हजरात दो नुक्ते देण लगा, इंज कह लो दो फुल देण लगा, अपने दामना विच इकट्ठे करके ले जाना। हजरत नंबर एक सरकार की इस दुआ ते गौर करना, एक दुआ मंगी किस हालत विच जा रही है, काबे ते निगाहे नबुव्वत रख के मेरे नबी ये दुआ पे मंगदे ने। सरकार दी अपनी ही हदीस है, फरमाया लोको जदों काबतुल्ला ते पहली नजर पवे अल्लाह कोलो जो मंगना होवे मंग लिया करो, क्योंकि अल्लाह कोलो पहली नजर काबे ते पा के जो मंगिए मिल जांदा जे। हजरत नंबर एक ए दुआ काबे ते पहली नजर पाके मंगी गई है। नुक्ता नंबर दो ए दुआ मंग कौन रहा है, केड़ी जबान विचों ए दुआ या जुमले निकल रहे ने, ओ जबान ओ जात जिदे बारे विच साडा अकीदा ते ईमान वे, चन अपनी जगह नु छड़ के किसी और मकाम ते अपनी दिलकशो दिल नवाज चांदनी बिखेर सकदा है, सूरज अपनी जगह नु छड़ के किसी और जगह तो
लुओ गुरूब हो सकता है। एक नीला गगन अपनी जगह नु छड़ के खाकी धरती की जगह पे आ सकता है। एक खाकी धरती अपनी जगह छड़ के लाजवर्दी फलक की प्लेस पे जा सकती है। शर्क गर्भ के अंदर, गर्भ शर्क के अंदर, शिमाल जुनूब के अंदर, जुनूब शिमाल के अंदर गड़मड़ हो सकते ने, हवावां बंद हो सकदियां ने, दरियावां दे रुख मुड़ सकदे ने, पत्थर दियां लकीरां ते मिट सकदियां ने। पर आमिना दे लाल दी जबान विचों निकली होई दुआ इंशा अल्लाह रद्द नहीं जे हो सकदे। बरेली दे बादशाह ने कलम उठाया ते कलम तोड़ दिते, कहंदे ने इजाबत ने झुक के गले से लगाया। तुसी भी बोलो इजाबत ने झुक के, इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, इजाबत ने झुक के गले से लगाया। बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम सल्लल्लाहु सल्लम सल्लल्लाहु और इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा। दुल्हन पर के निकले दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु लम सल्लल्लाहु। जड़ा चांदा है कियामत के दिन, कियामत के दिन मेरे आका दी जबान ते मेरा नाम होवे ओ सरकार ते दुरूद पढ़ लवे। सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। हजरत अली वकार जिन्हें काबे की तजीम की, काबे का हज ते उमरा ते तवाफ किया, सुनना सरकार की जबान विचों उस बंदे दी शान है। इमाम अजल इमाम फाकही अलैहि रहमा ने अपनी मशहूर जमाना किताब अल अखजार नूरी फरिश्तियां दे झुरमट विच घिरिया रहिंदा जे, नूरी फरिश्ते अल्लाह के घर नू घेरे विच लै के आखिर कर दे की ने। हुण जुमला सुनी ते हौसले जमा रखी, कलेजे ते हथ रख के सुने, फरमाया यस्तगफिरून लिमन ताफा बिहा व युसल्लून अलैहा। मेरा जेड़ा उम्मती काबे दे तवाफ विच मसरूफ हुंदा है ओदे वास्ते बख्शिश दी दुआ भी मंगदे। यानी अल्लाह दी बारगाह आलिया विच फरिश्ते सरकार दी उम्मत वास्ते दुआ करदे ने रहमत दे खुदा दी। हजरत कबल इसते कि मैं खाना काबा शरीफ दी शाना बयान करा, तुहाडे मिजाज दे मुताबिक मेरा दिल करदा है कुरान मजीद दी कुछ आयतां पढ़ां, विच फिर इंशाअल्लाह तुहाडी पसंद दी गुफ्तगू भी आवेगी। आली वकार हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों मदीनतुल मुनव्वरा हिजरत करके आए ना, 17 या 18 माह नबी पाक अलैहि सलाम ने बैतुल मुकद्दस वल मुंह करके नमाज़ां पढ़ियां, अपने गुलामां नूं पढ़ाईयां। 17 या 18 महीने लंघ गए, यहूदी ताना मारदे रहे, कहंदे ने नबी नवां, दीन नवां, किताब नवीं, शरीयत नवीं, काबा ओही साडे वाला पुराना, जे सच्चाई ते काबा भी नवा बनाउंदा ना, किबला भी अपना नवा बनाउंदा। नबी पाक अलैहि सलाम दा दिल दुखिया, सरकार ने अक्सर अल्लाह दी बारगाह च दिल च दुआ करनी, मौला इन्हां यहूदियां दे तानियां दा जवाब दे, साडा ते साडी उम्मत दा किबला ही बदल दे। सरकार दी ख्वाहिश सी कि मेरा किबला, मेरी उम्मत दा किबला बैतुल मुकद्दस दे बजाए बदल
के खाना काबा शरीफ हो जाए। वक्त लंघदा रहा, एक दिहाड़े सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई अपने गुलामों को किबला रूह के यानी बैतुल मुकद्दस वाले किबले वल मुंह करके सरकार ने जदों तकबीर तहरीमा पढ़ी ना तो सरकार ने नमाज की नीयत बनी। नमाज के दौरान ही मेरे आका के दिल च ख्याल आया कि साडा किबला कोई होर होना चाहिए। इसी ख्याल के तहत मेरे नबी ने सूए फलक निगाहां चुक लईयां। हजरत जरामी जी दो मेरे आका दा रुखे रिसालत सूए फलक उठिया रब्बे करीम ने फरमाया जिब्रील मौला हुक्म होवे फरमाया नमाज दे दौरान वेखे नजरा मेरे महबूब ने चश्मे नबुवत रुखे रिसालत आसमान वल तक उठाया है। हां मौला तक रेवा फरमाया असी अपने महबूब दी इस अदा नु किस्सा तेरी ना वाकया पेरी ना नहीं बनन देना। मौला की करेगा फरमाया इस अदा नु हिस्सा कुरान बनावा, इस किस्सा नु हिस्सा कुरान बनावांगे। मौला की कमा फरमाया कुरान दी आयत ले जाओ। हजरत गिरामी दूसरा पारा सूरतुल बकरा आयत नंबर 144 आ गई। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नक क़िबलतन तरदाहा वल्लि वजहक शतरल मस्जिदिल अपनी चश्मे रुबूबियत नल तक रहे हो। ए मेरे महबूब घबराना घबराना फलन वलियन्नक किबलतन तरदाहा अन करीब असा तेरा ते तेरी उम्मत दा किबला ओही बना देवांगे जो तू चाहना। सुनी सुनी जुमला दरा सुनिया जो तू चाहना है तेरा किबला ओही बना देवांगे। हुन अगला जुमला सीने ते हाथ रख के सुनन वाला अल्लाह दा कुरान मैं रेफरेंस दे चुकी हां जिदा जी करे जेड़े मर्जी अकीदे दे आलिम दा तर्जमा कुरान उठा के तक लवे तर्जमा इंशाल्लाह ओही होवेगा जो सैयद ज़हीर अहमद हाशमी तख्ते रसूल ते बह के करके जावेगा। फरमाया महबूबा चल तेरे की लानी तेरे की लानी तेरे की लानी फबली वजहा का शतरल मस्जिदिल हराम सोनिया नमाज दे दौरान मस्जिद हराम वल मुंह फेर लै असी कानून बदल दे बदल देवांगे। अज तो बाद सोनिया तेरा तेरी उम्मत का किबला काबतुल्ला बैतुल्ला बना देवांगे मस्जिदे हराम बना देवांगे। आदि वकार हजरत मेरे नबी करीम अलैहि सलाम ने मस्जिदे हराम नु मुंह मोड़िया जो सरकार ने मुंह मोड़िया साढ़े वर्गे मुक्तदी होंगे तो तौबा नऊज़ु बिल्ला नमाज में ही सौ सौ वसवसे दिल चाहते पर मेरे आका दे सहाबा सन कोई सिद्दीक सी कोई फारूक सी कोई उस्मान गनी सी कोई अली उल मुर्तज़ा सी कोई बिलाले हबशी सी कोई अम्मार बिन यासिर सी इश्क दे मैदान दे शाहसवार सन जो उन्होंने महसूस किया सरकार ने रुख फेर लिया इस सहाबा की सफ ने भी मुँह फेर लिया। किंज कहते ने के बीनी अलिफ हबीब मेरे दी मीम मरोड़ियां जुल्फां काबा उधर फिर गया जिधर यार ने मोड़ियां जुल्फां बैतुल्ला शरीफ बन गया किबला। यहूदियों ने फिर ताना मारिया नवी नवी एक साजिश रची तफसीर खाज़िन विच मौजूद है पहले पारे विच यहूदियों ने आख्या गल ए वे कि ए नवा दीन ते नवा काबा नवा किबला लेकिन बैतुल मुकद्दस किबला तो ना साडा किबला बैतुल मुकद्दस हुवा अफदलु मिनल काबा ते ओ हर सूरत विच काबे तो अफजल है व अकदम ते ओदे नाल पुराना है पहले बणया है हुवा मुहाजरुल अंबिया ते ओ अंबिया ए किराम दी हिजरत गए इथे नबियां ने आके डेरे लाए बहु किबला तो हम ते ओ नबियां दी किबले दी हैसियत रखदा है बैतुल मुकद्दस काबे तो अफजल है।
मुसलमाना ने आखिया नहीं साडा क़िबला काबतुल्ला बैतुल्ला अफजल है। रब ने फरमाया जिब्रील मौला हुक्म होवे फरमाया फैसला कुरान की आयत नाल कर देने। अल्लाह दा कुरान आ गया दो आयतां जिहड़ियां मैं दौरान खुतबा पढ़िया सन ये पढ़ के मौजू नूं अगे लै चलना। इहदे विच ही मैं कुछ दिलचस्प गल्लां भी सुनाउण दी कोशिश करांगा। चौथा पारा सूरह आले इमरान, आले इमरान आयत नंबर 96 और 97। अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्ना अव्वल बैतिन वुदिया लिन्नास, बेशक सब तो पहला घर लोकां वास्ते ऐ बनाया गया। हज़रत सरकार दी एक हदीस पाक नल इस आयत दी तशरीह ते तफसीर करा। इस हदीस पाक नु इमाम अहमद इब्ने हुसैन अल बहकी अलैहि रहमा ने अपनी मशहूर जमाना किताब शुअबुल ईमान विच नकल कीता है। अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा काल काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलु बुदअतिन वुदिअत फिल अर्दि मौदिउल बैति थुम्मा मुद्दत मिनहुल अर्द औ कमा काल अलैहि सलातु शरीफ वाली जगह फिर अल्लाह ने खुशकी के इस टुकड़े तो पूरी जमीन खिंच ली। दिलचस्पी मद्देनजर रख के कोई पसंदीदा गल सुनाने लगा। अल्लाह करीम जल्ला शानुहू ने जदों हजरत आदम अलैहिस्सलाम नूं बनाण दा इरादा कीता वा इस काला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा कालू अतजअलु फीहा मन युफसिदु फीहा व यस्फिकु दिमाअ, फरिश्तियां नूं अल्लाह ने मुखातिब करके फरमाया लो भाई मैं जमीन विच इक खलीफा बनाण लगा अपनी शाहकार मखलूक। फरिश्तियां ने अर्ज कीता मौला ऐसी मखलूक बनाण लगा है जिन्ने जमीन नूं लौ नाल रंगीन कर देणे, दंगे करने ने, फसाद करने ने, खून खराबे करने ने, कत्लो गारत गड़ी दा बाजार गर्म करने। हजरत जो अपनी शाहकार मखलूक यानी इंसान दी तनकीस ते इंसान ते तनकीद अल्लाह ने अपने समात ते कुदरत नाल समात कीती अल्लाह नाराज हो गया। मैं नहीं पिया कहंदा साहिब तफसीर रूहुल बयान अल्लामा इस्माइल हकी पे लिखदे ने अल्लाह करीम ने इजहार नाराजगी कीता। फरिश्तियां नूं खटक गई कि साडे नाल अल्लाह नाराज हो गया। आली वकार हजरत तफसीर रूहुल बयान दा टेक्स्ट सुनाण लगावा। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम नु बनाण ते जदों फरिश्तियां ने अपने कमेंट्स दिते अल्लाह करीम नाराज हो गया। फरिश्तियां ने की कीता सतवें आसमान ते मौजूद अपने किबला बैतुल मामूर दे इर्द गिर्द सत्ता आसमाना दे फरिश्ते इकट्ठे हो गए। सत्ता आसमाना दे फरिश्ते इकट्ठे हो के अपने किबला बैतुल मामूर दा तवाफ करदे ने, नाले अल्लाह कोलो मुआफी मंगदे ने। रब्बे करीम जल्ला शानहु दी रहमत जोश विच आ गई। फरमाया फरिश्तो तुसा गलती कीती, मैनू नाराज कीता। मेरी शाहकार तखलीक आदम ते आदम दी औलाद दे बारे गलत कमेंट्स दिते, लिहाजा मैं नाराज हो गया। हुण तुसी बैतुल मामूर दा तवाफ कीता है, मैं एदे तवाफ दे सदके नाल तुहाडे ते दोबारा राजी हो गया वा। मैं तुहाडे ते हो गया वा, जाओ मैं तुहानू मुआफ कीता। लेकिन एक हुक्म मन्नो मौला, हुक्म कीए? फरमाया इंज करो बैतुल मामूर दी सीद ते थल्ले चले जाओ, जिथे असा धरती तखलीक करनी है। मौला ठीक जाने आ, फरिश्ते सीद तो टुरे एन बैतुल मामूर दे थल्ले उस जगह ते आए जिथे अल्लाह ने जमीन पैदा करके जमीन दे जिस टुकड़े ते बैतुल्ला बनाना सी। आली वकार हजरात मक्का शरीफ बैतुल्ला वाली जगह ते फरिश्ते आ गए। उत्थे पानी सी, फरिश्तियां ने आके उत्थे निशान लाया एन सीध ते। जदों जमीन दे वस्त विच निशान लाया इस पानी दे उत्ते एक सफेद रंग दी झाग पैदा हो गई। फरिश्ते हैरान हो गए, अंगुश्ते बदन्ना हो के तक रहे ने। अचानक उस झाग ने एक खुश्की दे टीले दी शक्ल इख्तियार कर ली। फरिश्ते मुतहय्यर हो के पुछदे ने मौला ए कीए? फरमाया जिस तरह तुहाडा किबला बैतुल मामूर है, ए आदम दे तीआं पुत्रां दा किबला बैतुल्ला जे,
بیٹے بیٹیاں دا قبلہ بیت اللہ دے عرض کرن لگے مولا ایدی وجہ تسمیہ کیے ایدی وجہ تخلیق کیے فرمایا جس طرح تسی خطا کیتی مینو ناراض کیتا تے اپنے قبلہ بیت المامور دا طواف کر کے مینو راضی کر لیا ٹھیک اسی طرح جدو آدم دے پتر خطاواں کرن گے حوا دیاں تیاں غلطیاں کرن گیاں پھر اپنیاں غلطیاں تے نادم ہو کے آکے اس بیت اللہ دا طواف کرن گے میں انہاں دیاں غلطیاں معاف کراں گا جناب آدم علیہ السلام دی تخلیق تو پہلا آفرینش تو پہلا اللہ نے ترتی نوے سٹیلے تو کھچ کے بنا لیا زمین مارز وجود وچ آ گئی جناب آدم علیہ السلام نو پیدا کیتا گیا جناب آدم علیہ السلام نو پیدا کر کے بہشت وچ ٹھہرا دیتا گیا جناب اما حوا دی آفرینش ہوئی گی آدم و حوا جنت وچ مکین ہو گئے پھر حضرات شجر ممنوعہ دے قریب جا کے اوس جرم جڑا جرم نبوت دی شان دے لائق سی دیپا داش اندر اللہ کریم نے زمین تے بھیج دیتا جناب آدم ہند وچ اترے جناب اما حوا عرب شریف وچ جدہ شریف وچ اتریاں ہن جناب آدم علیہ السلام ہند وچ آئے ایک نواں ماحول دل مرپور ملا دے عرض کیتا مالک و مولا میں تے جنت دیاں نعمتاں دا آدیاں میرا ایتھے دل نہیں لگدا میں کی کراں فرمایا آدم انج کر عرب شریف چل زمین دا او ٹکڑا جنا نا عرب شریف رکھیا جانا ہے اس ٹکڑے تے چل جس ٹکڑے تے میرے آخری نبی نے جنم لینا ہے جس خطے تے میرے آخر آخری نبی دا شیر خارگی دا زمانہ گزرنا ہے جس ٹکڑے تے میرے نبی نے اپنے دائی دیا بکریا چارنیاں نے جس ٹکڑے تے میرے نبی دا لڑک پن گزرنا ہے جس خطے وچ میرے نبی دی جوانی گزرنی ہے جس خطے وچ میرے نبی نے اعلان نبوت کرنا ہے جس خطے وچ میرے نبی تے پہلی وحی اترنی ہے جس خطے وچ میرے نبی نے پہلی شادی کرنی ہے جس خطے وچ میرے نبی نے پتھراں نو کلمے پڑھانے نے جس خطے وچ میرے نبی نے سکیاں کھجوراں اگانیاں نے جس خطے وچ میرے نبی نے گنگیاں کولوں گلاں کروانیاں نے جس خطے وچ میرے نبی نے جانوراں کولوں گواہیاں لینیاں نے آدم اس خطے وچ چلو جناب آدم علیہ السلام تر پئے جناب آدم ایک قدم چک دے نے تنہ دنوں دا فاصلہ طے ہو جاؤ علامہ اسماعیل حقی تے لکھ دینے جناب آدم علیہ السلام جتھے اپنا قدم رکھ دینے اتھے سبزہ اگی آؤں گا جتنی نعمتاں نے نا اللہ پاک دیاں آدم دے قدم دی برکت نال اگیاں نے اچھی ساری کہہ دیو سبحان اللہ تے جے اجازت دیو تے آدم علیہ السلام دی گل چھڈ کے آدم دے فخر میرے تے تواڈے مصطفیٰ دی شان تے وی ایک گل سنا دیاں آدم علیہ السلام نے جتھے قدم لائے سبزہ اگیا ہریالیاں آئیاں زرخیزیاں آئیاں میرے آقا ملا کاشفی علیہ الرحمت دی مارج نبوت دی عبارت دے تحت حضرات سرکار جدو تشریف لے آئے دنیا تے بی بی حلیمہ سعدیہ مائی آمنہ کولوں لے کے کائنات دا خزانہ جا رہیاں نے اونٹنی تے بیٹھیاں نے کاشفی لکھ دے نے جتھے اونٹنی دا قدم پیندا ہے سبزہ اگی آندا ہے آدم دا ذاتی قدم ہے اپنے وجود نہ لگا ہویا اللہ دا پاک نبی دا پاک قدم ہے حضرات آدم دا جتھے ذاتی قدم لگے اوتھے شادابی ہوندی ہے پر میرا نبیاں دا نبی رسولاں دا رسول تاجدار کشور رسالت جس سواری تے چڑھ بیٹھے اس سواری دا پیر جتھے لگ جاوے اس ترتی دے ٹکڑے دا بنجر پن ختم ہو جاندا ہے اوتھے زرخیزیاں تے شادابیاں آ جاندیاں نے حضرات گرامی جناب آدم علیہ السلام چل دیاں تہ کردیاں سفر عرب شریف پہنچ گئے عرب شریف تو صدقے جائیے تجھ تا
बैठे बकरियां यार चरणिया कदम कदम ते मैं गोसे देवा ओ जिथे तलियां यार ने लाया सलाम अरब शरीफ पहुंच गए जिथे वो खुशकी दा टीला सी उस मकाम ते पहुंच गए फरिश्ते आदम अलैहिस सलाम दे इर्द गिर्द मौजूद ने जनाबे आदम अलैहिस सलाम ने उस टीले दे करीब जाके कियाम फरमाया फरिश्तियां ने हुन बुनियाद आदम अलैहिस सलाम ने रखनी है फरिश्तियां ने मुआवनत करनी है फरिश्तियां दा सरदार जिब्रील आया जिब्रील ने आके अपना पर मारिया सत्ता जमीना अंदर बुनियाद रख दिती जिब्रील ने पर मार के ज़मीना किनिया एक मोतियां ने मेरे आका दी हदीस दे मुताबिक 500 साल दी मुसाफत दे बराबर एक जमीन मोटी है फिर उदे थले उन्ना ही पानी है 500 साल दी मुसाफत दे बराबर फिर उतनी ही दूसरी जमीन मोटी फिर उतना ही पानी फिर उतनी जमीन मोटी आली बकार हजरात 1 करोड़ मीलां दा फासला है जिब्रील ने पर मार के अपना पर सत्ता जमीना तो थले पहुंचा दिता जिब्रील कौन है मेरे नबी दियां तलियां चुमन वाला नौकर है ओए जे गुलामां नू अल्लाह ने ये ताकतां दित्तियां ने आका मुहम्मद नू कितनी शान दित्ती है अल्लाह ताला तेरी जबान नू सलामत रखे भी नौजवान जिन्हें भी नारा लाया है हजरात एक गल याद रखो जिस कौम दा नारा जिंदा हुंदा है तो कौम जिंदा हुंदी है बुरा ना समझिया करो क्योंकि नारा ते मेरे नबी दे सहाबा ने मेरे नबी दी मौजूदगी विच लाया है आली वकार हजरत जनाबे आदम अलैहिस सलाम दे सामने बुनियाद रखी गई जनाबे आदम ने 5 पहाड़ां दे पत्थर मंगवाए फरिश्तियां कोलो ओ 5 पहाड़ केड़े-केड़े सन नंबर 1 तूरे सीना नंबर 2 तूरे ज़ैता नंबर 3 कोहे चूती नंबर 4 कोहे लुबनान ते नंबर 5 कोहे हिरा ओ गार ओ पहाड़ ओ गार जिथे मेरा नबी बीबी खदीजा दे हाथ दी पक्की हुई रोटी लेके जांदा है कई कई दिन इबादत विच मशगूल रहंदा पहाड़ां दे पत्थर लियांदे गए जनाबे आदम अलैहि सलाम ने 5 पहाड़ां दे संग्रेजियां नल चट्टाना नल बुनियाद रखी ते जनाबे आदम अलैहि सलाम ने अल्लाह दा सोना घर तामीर कीता तवाफ कीता दुआवां मंगियां ते फिर एक रिवायत दे मुताबिक सरजमीन हिंद तो जनाबे आदम पैदल चल के आउंदे रहे ते 40 हज बैतुल्लाह दे फरमाए हुण जरा दिलचस्पी नाल सुनना गल वक्त लंघदा रहा जदों हजरत नूह अलैहि सलाम दा वेला आया ना नबी आउंदे रहे जांदे रहे उम्मतां आउंदियां रहियां जांदियां रहियां नूह अलैहि सलाम दी उम्मत ने आप नूं बहुत सताया किस्सा लंबा है किसे दिन मैं ए भी किस्सा सुणावांगा जनाबे नूह अलैहि सलाम दा भी जनाबे नूह पैगंबर ने दुआ मंगी मौला एक भी काफिर धरती ते ना छड्डी 950 साल तेरे नबी ने तबलीगां कीतियां जवाबन इन्होंने पत्थर मारे गालां कढ़ियां मौला मेरा वकार मजरूह कीता मेरी इज्जत मजरूह कीती मेरे नबुव्वत वाले जिस्म विच कोई हड्डी ऐसी नहीं कोई उज्व ऐसा नहीं जिन्ना उज्वां नूं इन्होंने छलनी ना कीता होवे मौला एक भी ना छड्डी रब ने फरमाया नूह असीं ते इंतजार विच सां साडा करम ते मुंतजर सी कदों तू दुआ मंगे इन्हां दा बेड़ा गर्क करिए तूफान आया कौम तबाह हो गई जनाबे नूह अलैहि सलाम दी कश्ती विच जिहड़े लोग मौजूद सन बच गए तूफान ने नूह दे वेले अल्लाह करीम दे हुक्म ते फरिश्ते बैतुल्लाह शरीफ नूं जमीन विचों चुक के चौथे आसमान ते लै गए ते चौथे आसमान ते खाना काबा दी तनसीब होई ते अल्लाह ने ड्यूटी लाई भाई हर रोज 70,000 फरिश्ते बैतुल्लाह शरीफ दी ज़ियारत लई आणगे पर ए वी गल याद रखो जिहड़ा एक वारी आ गया ਉਹਦੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਣੀ
حضرات خانہ کعبہ شریف دے نال حجر اسود وی سی اے جنت وچوں پتھر آیا میں اگے جا کے دی شان سناواں گا حجر اسود نو جبریل نے چک کے جبل بو قبیس دیاں چٹاناں وچ چھپا دیتا اے گل بڑی دلچسپ جے یاد رکھنا جدوں اگے جا کے میں نتیجہ کڈنا ہے نا اے گل اگر تانوں چیتے رہی تے پھر تہاڈیاں مسکراہٹاں گہریاں ہونیاں نے جناب نوح دے دور وچ طوفان نوح دے ویلے جبریل نے حجرِ اسود نوں چکیا تے جناب بولنا ذرا کتھے لکا دتا جبل بو قبیس اندر ایک واری کہہ دیو کتھے لکا دتا جبل بو قبیس اندر تاں تہاڈے کولوں کبایا ہے تاکہ تانوں یاد رہے پھر اگلی گل سنو گے تے مزہ آئے گا لو حضرات ہن وقت لنگدا رہیا قران پاک دی جڑیاں میں آیتاں پڑھیاں نے انہاں دا ترجمہ سنا کے پھر اگے چلنے اللہ فرماندے للذی بھی بکتا مبارک یہ گھر جڑا مکے وچ موجود ہے برکت والا ہے وحد للعالمین اور العالمین دے لوکاں واسطے ہدایت دا سرچشمہ ہے فرمایا فیہ آیات بینات ایدے وچ کھلیاں تے واضح نشانیاں نے مقام ابراہیم ایک نشانی مقام ابراہیم ہے مقام ابراہیم جنہاں نے ویکھیا ہے او دے بارے سنیا ہے او تے جان دے نہیں جنہاں نے نہیں ویکھیا نہیں سنیا انہاں نوں میں اگے جا کے دسنا فرمایا مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمینات جڑا ایدے وچ داخل ہو گیا امن وچ آ گیا حتیٰ کہ حضرات جناب عمر فاروق نے فرمایا اگر میرے سگے باپ خطاب دا قاتل بھی بیت اللہ شریف وچ پناہ لے لوے میں اودوں تک او دا وال بھی ونگا نہیں کراں گا جدوں تک او حرم شریف دی حد چوں باہر نہ نکل آوے حتیٰ کہ تفاسیر دی کتب وچ موجود ہے اگر کسے جانور دے پیچھے جنگلی درندے لگ جان نا او وی دوڑ کے حرم شریف دی حد دے وچ پناہ لے لیندا ہے کیونکہ او جاندا ہے کہ اللہ نے اس جان جائے امن جائے امان بنایا اللہ فرماندا ہے اینو اسی جائے امن بنایا ہے جڑا ایدے وچ آ گیا او در اصل امن تے امان وچ آ گیا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا تے اللہ واسطے اس گھر دا حج فرض ہے جڑا اوتھے تک پہنچن دی استطاعت رکھدا ہے یعنی زندگی وچ ایک واری کفارہ کیتا انکار کیتا فان اللہ غنی عن العالمین تے پھر جان لو بے شک اللہ تمام جہاناں تو بے نیاز تے بے پرواہ لو حضرات گرامی جناب نوح علیہ السلام تک تساں گل سنی ہن وقت لنگدا رہیا زمانہ آ گیا جناب ابراہیم علیہ السلام دا تے میں قران کریم دیاں پنج آیتاں پڑھنا وا اس تو بعد پھر روٹین والیاں گلاں وی کردے رہاں گے ایدی تشریح تے ایدی تفسیر اندر قران مجید سماعت فرمانا تے محظوظ ہونا پہلا پارا سورۃ البقرہ آیت نمبر 125 126 127 128 تے 129 اونچی ساری آواز نال کہہ دیو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ ثَمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ باللہ والیوم الآخر قال ومن کفر فأمتعه قلیلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت إسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسك تناوتب علينا إنك أنت التواب قردهم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم اللہ فرماندا اے میرے
महबूब याद करो ओ वेला जदों असी इस घर नूं मसाबत लिन्नास बना दिता। हज़रत मसाबा दा माना है अरबी ज़बान च मरजा, लौट लौट के आन दी जगह। हज़रत गिरामी मुफस्सिरीन किराम कहंदे ने दी बड़ी प्यारी वजह है क्योंकि अल्लाह ने इस घर विच कशिश ही इन्नी रखी है। जिहड़ा बंदा एक वारी इस घर नूं तक लैंदा है वापस अपने वतन आउंदा है उहदा दिल करदा है फिर जावां, फिर पहुंचता है फिर वेखता है वापस आउंदा है उहदा दिल करदा है फिर जावां, फिर जांदा है वापस आउंदा है उहदा दिल करदा है फिर जावां। वो बार बार जांदा है इस वास्ते दा नाम मसाबत लिन्नास है। अल्लाह फरमांदा है वा अमना इनू अमन की जगह बना दिता है। मकामी इब्राहिम मुसल्ला फरमाया लोको तुहाडा रब तुहानू हुक्म पिया देंदा है मकामी इब्राहिम नू मुसल्ला बना लवो। जो ते इन्हें माक दे नल सुनना दराओ ए मकामे इब्राहिम की है। आओ तवज्जो ते प्यार नल सुनना दरा मैं एदी हकीकत दसांगा, पहले दो त्रै वाकिया रिवायात सुन लवो। बुखारी शरीफ विच इख्तिसार दे नल कंजुल उमाल विच तफसील दे नल मौजूद है। जनाबे उमरे फारूक सरकार दे नाल ने मेरे आका खाना काबा शरीफ दे हां मौजूद ने। जनाबे उमर ने अर्ज कीता सोहणिया जान दी अमान पावां एक मारूस करा। फरमाया उमर कै अर्ज कीता सोनिया क्यों ना सी इंज करिए जिदो असी दो रकत नमाज पढ़िए ना इंज पढ़िए काबे साडे दरमियान मकामे इब्राहिम हो गए। इस पत्थर दी तज़ीम भी होवे अल्लाह दी इबादत भी होवे। सरकार ने फरमाया भी मैं ते अल्लाह दे हुक्म दा पाबंद हां, नबी ओदी मर्जी तो खिलाफ नहीं चलदा ते ओदा हुक्म आवेगा ते मैं इजाजत दे सकना। अजे सरकार ते हजरत उमर दा मुकालमा मुकिया नहीं सी तंजुल कुमाली च मौजूद है फनजलत हाजिहिल आया के अल्लाह ने इस कुरान दी आयत दा नज़ूल फरमा दित्ता। हजरत अली वकार खाना काबा शरीफ दे मौजूद जिहड़ा मकाम है ना मकामे इब्राहिम। वैसे तो इस पूरे हरम शरीफ की इज्जत घट नहीं पर इहदियां मकामे इब्राहिम दियां शानां भी निरालियां ने। तफसीर दुर्रे मंसूरी च हदीस पाक मौजूद है मेरे आका ने फरमाया जिहड़ा बंदा खाना काबा शरीफ के सत फेरे ला के यानी तवाफे खाना काबा तो बाद मकामे इब्राहिम ते आके दो नफल पढ़दा है अल्लाह उहनूं इंज पाक कर दिंदा है गुनाह तो जिस तरह अपनी मां दे शिकम विचों दुनिया ते पाक आया सी। बल्कि सुनना फरमाया जो बंदा दो रकत नमाज मकामे इब्राहिम ते सूए किबला पढ़दा है ना सरकारे दो आलम फरमांदे ने अल्लाह उस बंदे नू इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे पुत्र इस्माईल दी औलाद विचों दस गुलाम आजाद करन दा सवाब अता कर छड़दा है। बल्कि हजरत गिरामी मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने रुकने यमानी ते एक फरिश्ता उस हाजी दा इस्तकबाल करदा है ते कहंदा हाजी साहब मुबारक होवे जाओ अपनी नवी जिंदगी शुरू करो क्योंकि अल्लाह ने तुहाडे पिछले गुनाहां दे रजिस्टर ते रहमत दा कलम चला दिता है। हजरत तफसीर दुर्रे मंसूर विचों एक छोटी जी गल आप हजरत की इजाजत नाल अर्ज करा ते गल नूं अगे लै जावां। इत्थे किहो किहो जीआं मखलूकां आउंदियां ने दुर्रे मंसूर दी रिवायत सुनना। जनाबे तलक बिन हबीब रजी अल्लाहु अनहु कहंदे ने असी अब्दुल्ला बिन अमर दे हां उहनां दे नाल मकामे हकीम विच बैठे होए सां। कहंदे ने अचानक वेखिया इक बहुत वड्डा अजदहा पापे बनी शैबा विचों दाखिल होया फुनकारदा होया साडे वल आया। असी डर के सहम गए दम बखुद हो गए अंदर दे सा अंदर रह गए बार दे बार रह गए। पर असी हैरान होए वो अजदहा साडे करीब नहीं आया बल्कि बैतुल्ला दे करीब जाके चक्कर लाण लग पया। उन्हें एक चक्कर
लाया। उस बड़े अजगर ने सप ने दूसरा चक्कर लाया, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां चक्कर लाया। सात चक्कर लगा के वो अजदहा फुंकारदा होया, मकामे इब्राहिम दे पीछे आया। आके पहले इंज उन्हें अपना सिर खड़ा किया, फिर झुकाया, फिर थोड़ी देर तो बाद जमीन ते लेटिया, फिर फन चुकया, फिर झुकाया, फिर थले उन्हें जमीन ते अपना सिर रखया। होया मकामे इब्राहिम ते नमाज पढ़ना पड़ा। जनाबे तलक बिन हबीब कहंदे ने जदों ने खत्म की ना अपनी इबादत, असी उन्हें मुखातिब करके कहा, बाबा जी सानू नहीं पता तुसी सापो जिन हो कोई आसमानी मखलूक हो, कौन हो तुसी? बस असी ते इन्नी गल अर्ज करना चाहने आ, तुहाडी इबादत नूं सलाम, पर साडे विच बच्चे भी ने, औरतां भी ने, तुहानू किसी ने तक लिया ते उन्हां दा अंदर दा सा अंदर ही रह जाणा है, मेहरबानी फरमाओ। जनाबे तलक बिन हबीब कहंदे ने जदों असी इन्नी गल की उन्हें अपने आप नूं लपेटिया, लपेट के फजाए काबा दे विच बुलंद होया ते आसमाना वल गायब हो गया। आली वकार हजरत वापस आओ, जनाबे इब्राहिम अलैहि सलाम दा जमाना आ गया। जनाबे इब्राहिम अलैहि सलाम ने अल्लाह दे हुक्म ते इस्माईल ते जनाबे हाजरा नूं वादीए गैर ज़ी ज़रा विच छड्या ते वापस आ गए। जनाबे सारा नाल रहण लग पे। हजरत इस्माईल अलैहि सलाम जवान हो गए, अम्मा हाजरा दा इंतकाल हो गया, आपने कबीला बनी जरहम दी इक बीबी नाल शादी कर ली ते उस मकाम ते रहण लग पे। हुण जुमला सुनियो जरा, औलाद वाले बैठे हो, दर्द के दिल वाले बैठे हो, हजरत एक कैसा जज्बा है यार, मां बाप दा धीआं पुत्रां नाल कैसा अजीम रिश्ता रब ने बनाया है। हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम इक दिहाड़े बीबी सारा नूं कहण लगे, सारा एक गल कहां इजाजत देवेंगी? हजरत अक्सर लोग कहंदे ने अपनी बीवी दे नाल कोई इस तरह का सलूक करे ना, ओदी इजाजत मंगे, ते कई कहंदे ने ये थल्ले लगा है, ये रन मुरीद है, ये अपनी बुढ़ी दा नौकर है। हजरत ए जुल्म ना करिया करो, औरत भी अल्लाह दी मखलूक है और औरत दी अपनी बीवी दी खुशनूदी ये अल्लाह दे नबियां दी सुन्नत। जे मेरे आका करीम अलैहि सलाम दी बीवी हजरत आयशा सिद्दीका फरमांदियां ने अक्सर इंज होना, सरकार ने कदे कदे खुशगवार मूड विच होना ना, ते मैं ते सरकार ने दौड़ लानी, कदे सरकार ने जित जाना, कदे मैं जित जाना। हजरत अली वकार अपनी बीवी नाल प्यार करो, अपने मां बाप नाल प्यार करो, ये अजीम रिश्ते ने जेडे अल्लाह ने सानू अता कीते ने। जनाबे इब्राहिम ने फरमाया, सारा इजाजत देने की एक गल कहो, अर्ज किया मेरे सिर ते ताज, मैं सौ जाना तो सदके जावा, हुक्म करो मैं इजाजत देवांगी, मन्नांगी। फरमाया इस्माईल नूं वेखिया मुद्दतां बीत गई, आदे अज दिल करदा है इन्हां बाहां विच इस्माईल नूं लै के प्यार। अपने अपने पुत्र दे घर उतरना नहीं, जे ऊंटनी ते सवारी रहना, जे बस अपने लखते जिगर नूं तक के मिल के गल्लां करके वापस आ जाना। आपने फरमाया मैनू मंजूर, जनाबे इब्राहिम अलैहि सलाम ने रखते सफर बने, आओ ऊंटनी ते सवार होए, बागा खिचिया ते मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले आए। आप जनाबे इस्माईल की रिहायशगाह ते पहुंचे, जाके आवाज दिती, इस्माईल घर वो एक बीबी निकली बार, कहंदी ये बाबा जी तुसी कौन हो? फरमाया धीए मैं एक परदेसी आ, मुसाफिर आ, बड़ी दूरों आया वा, इस्माईल नल मुलाकात करना चाहना वा, इस्माईल
पूजन ले आया वा। बीबी अगों कहंदी ऐ इस्माइल ते कर कोई नहीं, आखे किथे गए ने? आखे बाहर जंगल विच शिकार वास्ते गए ने। आखे तुसी कौन हो? फरमाया मैं एक परदेसियां मिलन वास्ते आया वा। आखे बाबा जी कोई हुक्म होवे ते दसो। फरमाया बस तू इन्ना दस दे तू कौन है। अर्ज किया बाबा जी मैं इस्माइल की बीवी हाँ। फरमाया पुत्र सदके जावा दसो हालात कैसे ने घर दे। कहंदी ये औरत शिकवा करके कहंदी ये हालात बड़े दिगर को ने। इस्माइल थोड़ा जिहा कमा के ले आंदे ने, बतिकते तमाम घर की सर्कुलेशन चल दी है। हालात का पहिया बड़ी मुश्किल घूम रहा है। जनाब इब्राहिम अलैहि सलाम ने फरमाया धीए जो इस्माइल आवे ओनू मेरा सलाम कहना, नाले ओनू कहना परदेसी बाबा कह गया है। अपने घर की दहलीज की चौखट बदल दे, ये तेरे शायाने शान नहीं है। हुण जनाब इब्राहिम चले गए, इस्माइल अलैहि सलाम वापस आए, आके इधर उधर तकते ने, कहंदे ने भलिए अज इत्थे कौन आया सी? मैनू मेरे घर विचों मेरे अपनियां दी खुशबू आई, मैनू मेरे अपने दी खुशबू आई है। हर पे खड़ी ने क्या खूब आखिया है। फरमांदे ने जिस विच गुजी रंज ना होवे ते दर्द मंदा दे हालों बेहतर चुपे मोहम्मद बख्शा सुखन अजे नालों ते दर्द मंदा दे सुखन मोहम्मद अते देन गवाही हालों जिस पले फुल बदे हो मैं खुशबू आवे रूमालो। उतार के कले आए जाओ मेरे बाबा को लै जावो। हजरत गिरामी उधर कुर्ता लैके लैके तुरन वाला टुरिया है। मिसर विचों इधरों किनान अंदर जनाबे याकूब ने लाठी फड़ी है। मैनू मेरे कलेजे के टुकड़े यूसुफ की खुशबू अपनी मां तंग ना करिया कर, अपनी बीवी दे पिछे लग के अपने बाप नूं छुट्टे ना मारिया कर। सारा कुछ इत्थे ही रह जाणा ई, सारे रिश्ते झूठे नी, एक मां बाप का रिश्ता सच्चाई। जालिमां अपने बाप नू ठुड्डा मारन तो पहले अपनी मां नू गाली कट्टण तो पहले सोचिया कर। इन्ना पुटिया ने भी तेनू उंजे ही उंजे ही उंजे ही पाले आए, जिस तरह तू अपने बच्चियां नू पिया पालदा। इस्माइल ने फरमाया कौन आया सी? अखे तो बाबा आया परदेसी चिट्टी दाड़ी ओदी सी, ऊंटनी तो थल्ले नहीं उतरिया। मैं आखिया उतरो, ने कहा मैं नहीं उतरना। मैनू गल्ला पुछदा रहा, मैं दसदी रही। उन्हें आखिया चौखट इस्माइल नू कह दई अपने घर दी बदल लवे, तेरे शान तेरी शान ते अजमत वकार दे लायक नहीं। आपने फरमाया चलिए, वो कोई मामूली परदेसी नहीं सी, मेरा बाबा ते अल्लाह दा प्यारा खलील इब्राहिम अलैहि सलाम सन। ते जड़ी ओ चौखट दी गल करके गए ने ना, ओ तेरे वल इशारा है, तू मेरे काबिल नहीं, चल मैं तैनू तलाक दित्ती अपने घर चली जा। हजरत हदीस भी चाहुंदा है, सरकार दी बारगाह च सहाबी हाजिर होया, ए तुहाडी दुनिया दे तुहाडे कानून इक पासे, मैं नहीं मनदा उस कानून नू जिहड़ा मेरे पैगंबर दी हदीस नाल टकराओ खावे। ए तुसीं जो मर्जी आखो, पर सरकार दा फरमान है। बंदा आया आके कहंदा हुजूर मैं अपनी बीवी नाल बहुत प्यार करना, मैनू बहुत चंगी लगदी है, पर मेरा बाप कहंदा है उहनू तलाक दे दे। मेरे नबी ने फरमाया सोचना की है, दे तलाक। जे तेरा बाप
इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा कुछ अरसा बाद फिर दिल तड़पिया पर मैं सारा जे तू आखे ते मैं अज जावां ना उस दिन ते इस्माइल मिलिया नहीं सी अज खबर मिल जावे आपने इजाजत दी पर फिर विद कंडीशन के थल्ले नहीं उतरना जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम तुरे ऊंटनी ते सवार होके आपने एक और औरत नाल शादी कर ली सी इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जाके आवाज दी वो नेक सीरत नेक सूरत बीबी बाहर निकली सलाम कीता इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया पुत्र इस्माइल किथे वे आखे बाबा जी वो ते शिकार ले गए ने आखे पुत्र तू कौन है आखे मैं बीवी हां उन्हां दी मनकूहा वां आखे सुना हाल जिंदगी किस तरह गुजर रही है आखे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बाबा जी अल्लाह दा करोड़ हा शुक्र है करम है फजल है असी घट जरूरत घट है साडी पर ओ सानू बहुता देई जांदा है आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह कहन लगी बाबा जी थल्ले उतरो अपना तारुफ करवाओ अंदर आओ मैं कुछ खान पीन नू पेश करा फरमाया नहीं धीए जे कुछ खान नू देना ही ते भूख लगी है इत्थे पेश कर दे उने दूध और गोश्त पेश कीता जनाब खलील ने नोश फरमाया तनाबुल फरमाया दुआवां दित्तियां उने आख्या बाबा जी तुहाडे पैर मिट्टी लग गई है रेत लग गई है थल्ले उतर आओ मैं तुहाडे पैर धुला देवां आपने फरमाया पुत्र मैं किसी नाल वादा कीता है मैं थल्ले नहीं उतर सकदा उस बीबी ने पत्थर चुक के लियांदा लिया के रखिया कहन लगी बिस्मिल्लाह करां बाबा जी इस पत्थर ते अपना पैर रखो मैं तुहाडा पैर धो देनी हां जनाब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पत्थर ते पैर रखिया हुण सुनी जरा मकामे इब्राहिम जिन्नू अल्लाह ने अपनी निशानी आख्या है ओ मकामे इब्राहिम की शै है जनाब इब्राहिम ने उस पत्थर ते कदम रखिया बीबी ने तुलाया फिर दूजा कदम रखिया बीबी ने तुलाया जदों आपने कदम चुकया पत्थर तो पत्थर ते आप दे पैर दा निशान बनया होया है बीबी ने चुक के साइड से कर लिया जनाब इब्राहिम ने फरमाया ये मैं बड़ा खुश होया वा तेरे ते कि तो इस्माइल आवे परदेसी बाबे दा सलाम कह देवी जी नाले आख देवी ओ परदेसी मुसाफिर कह के जे आए अपनी इस तहलीज दी चौखट नु हुण कदे ना बदले ए तेरे वकार ते ऐन लाए के जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आ गए इस्माइल अलैहिस्सलाम आए वापस आपने पूछिया मैनू खुशबू आ रही है कौन आया सी बीबी ने सारी गल सुनाई पत्थर भी पेश किया आपने पत्थर नु चुमया चुम के सांभ लिया हुण अरसा गुजर गया एक दिहाड़े जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर इजाजत लेके आए अज इजाजत लईए मैं थल्ले भी उतरना है उन्हां दे घर भी जाना है गल्लां बातां भी करनियां ने अल्लाह दा हुक्म भी पूरा करना है जनाब इब्राहिम आए इस्माइल तीर सिद्धे कर रहे सन शिकार वास्ते बाप ते पुत्र मुत्तां दे पिछड़े होए इंज मिले जिंज मिलन दा हक सी जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया पुत्र मैं इक कम अर्ज कीता बाबा हुक्म होवे मैं ते उदों नहीं सी डोलिया जदों 7 सालां दी उम्र च छुरी गले ते रखी साजे मैं बड़ा हो गया वहां जो हुक्म करोगे मैं पूरा करांगा फरमाया पुत्र अल्लाह दा हुक्म है असा अल्लाह दा घर बनाइए निशानदेही कीती फरिश्तियां ने अल्लाह करीम जल्ला शानहू दा घर जनाब इब्राहिम ते जनाब इस्माइल ने बनाना शुरू कर दिता लो हजरात गिरामी थोड़ा मुख्तसर कर लेने आ गल्ला मेरे कोल बहुत सारियां ने पर मैं उनवान अपना मुकम्मल करना है मुख्तसरन जनाब इब्राहिम ते इस्माइल ने बुनियादा चुकनियां शुरू कर दितियां आली वकार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पत्थर लाउंदे ने इस्माइल चुन 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 के पत्थर ले आके जनाब इब्राहिम दी बारगाह च पेश करदे ने जनाब जनाब इब्राहिम मिस्त्री जनाब इस्माइल मजदूरे काबा दोवां ने जदों काबे दीयां बुनियादां चुक लईयां हजरत गिरामी जदों हाथ ना पहुंचण वाले मकाम ते पहुंचे दीवार दा ओ हिस्सा जिथे इब्राहिम दा हाथ नहीं पहुंचदा फरमाया इस्माइल बाबा हुक्म होवे फरमाया फड़ा ना कोई पत्थर जिवें अज मिस्त्री गो करदे ने फरमाया फड़ा ना कोई पत्थर मैं पत्थर ते खलो के पत्थर लावा काबे दी दीवार नो जनाबे इस्माइल गए ओई पत्थर चुक ले आए जिस ते उत्ते जनाबे इब्राहिम दा निशाने कदम सी जनाबे
टुकड़े लाई जांदे ने दीवार नो इब्राहिम चांदे ने इधर नू जाना है इधर नू तोड़ पैंदा है जे बाबा जी चांदे ने इधर नू जाना है पत्थर इधर नू तोड़ पैंदा है जे बाबा जी चांदे ने उत्ते नू जाना है पत्थर उत्ते नू तोड़ पैंदा है ते जे काबे दा मिस्त्री चांदे थल्ले आना है पत्थर थल्ले मेहनत की अगर बिजली मजबूत ना हो सारी रात बैठे रहो एक इंच भी उत्ते थले नहीं जा सकते फिर कंप्यूटर की जबान दसना नहीं है तुसी कित्थे जा रहे हो किहड़े फ्लोर ते जा रहे हो अगर ना दसोगे हाथ जोड़ के भावे उन्हूं सारी रात दस दे रहो मैं चौथी मंजिल ते जाना है उन्हें तुहानूं कोई नहीं पुछाणा कंप्यूटराइज्ड मशीन नूं जो दसोगे ओही करेगी पर अल्लाह दे नबी दे पैरां विच पिया होया बेजान पत्थर हज़रते गिरामी उन्हूं अल्लाह दा नबी हुक्म नहीं देंदा बस ओ पत्थर नबी दे इरादियां तों वाकिफ हो गए परेशानी कोई नहीं अल्लाह करीम जल्ला शानहू इस मौसम ही ठंडा रखे जिन्नी सानू जरूरत है बारिश बहुत ज्यादा पई है मुल्क के हालात बड़े खराब ने 36 अफराद कल अल्लाह नू प्यारे हो गए और हजरात मैं वैसे हैरान हूं ना टीवी दे विच कोई सियासी बंदा मर जाए तो उहदे नाल शहीद लिखदे ने लेकिन जो कोई बारिश की जद भी चलता है या किसी हादसे का शिकार होता है मुसलमान उन्होंने कहने ने हलाक हो गए नऊज़ु बिल्लाह ये लफ्ज जड़ा है ना हलाक होने वाला ये नहीं बोलना चाहिए असल च बारिश की वजह तो जो लोग हर लिहाज वतन अजीज ते रहम करम आली वकार हजरत जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा बना लिया इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पत्थर फड़ा दिते छत पै गई ते काबे दी दीवार विच हजरत इब्राहिम एक पत्थर नसब करन दा इरादा रखदे ने जिहड़े दोस्त गए ने जानदे ने हजरे असवद तों उन चुम के इस्तेलाम करके ते फिर काबे दा तवाफ शुरू करने आ गेड़ा हर गेड़े ते चुमने हजरत खाना काबा शरीफ विच ए जड़ी जगह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छड़ी है ना नियत ए वे के इत्थों इत्थे एक निशानी रखांगे इत्थों तवाफ खाना काबा शुरू हो जाएगा जनाबे इब्राहिम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम नु फरमाया पुत्र कोई सोना जिहा पत्थर लभ के ले आ जिहड़ा काबे दी इस दीवार विच नसब कीता जा सके हुण ओ गल चेते जी जिहड़ी मैं आख्या सी कि चेते रखोगे ते मजा आना है हजरे असवद किथे सी जबले बू कुबैस अंदर हजरत अली वकार हजरत जनाब इस्माइल अलैहि सलाम गए एक सफेद पत्थर ले आके बाबा जी ने पेश किया आपने फरमाया पुत्र ए नहीं कोई आला किस्म दा पत्थर लब के ले आओ जनाब इस्माइल तुरे लबदियां 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 कदे एक पत्थर नु वेखदे ने रिजेक्ट करदे ने कदरे दूसरे नु रिजेक्ट करदे ने बिल आखिर आखिर इस आखिरी कार जिनो जबले बू कुबैस दे सामने पहुंचे कुबैस पहाड़ विचों आवाज आई ऐ प्यारे इस्माइल इधर उधर क्यों जांदे हो मेरे वल आओ अल्लाह दी अमानत दा अमीन मैं
जनाबे इस्माइल ने हजरे अस्वद ले आओ, जनाबे इब्राहिम अलैहि सलाम दी बारगाह च पेश कर दिता। जनाबे इब्राहिम अलैहि सलाम ने दीवारे खाना काबा विच इस पत्थर नु नसब कर दिता। हुण सुनना जरा इस पत्थर दीआं शानां मेरे आका दी ज़बानी तिरमिज़ी शरीफ विच हदीसे पाक मौजूद है। अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حجر الاسود من الجنه وهو اشد بياضا من اللبن فصفدته خطايا بني ادم او كما قال عليه السلام میرے نبی نے فرمایا لوکو ایک کالا پتھر حجر اسود اس زمین دا پتھر نہیں جے جنت وچوں آیا جے खतावां काला कर दिता है। एक हदीसे पाक अतरबीब वतरहीब लिल मंजरी विचों और समाज फरमाओ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشہد هذا الحجر خيرا انه يوم القيامه شافع مشفع له لسالم وشفتان فيشهد لمن استلمه او كما قال علیہ السلام जिन्ना जोर ला के मैं सरकार दा फरमान पढ़िए उन्ना टिल ला के कहो सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया चंगिया चंगिया गल्लां करिया करो सोने क्यों फरमाया यौमल कियामत शाफिउम मुशफ्फा फरमाया कियामत के दिन ये पत्थर शफात करेगा ते जेडी ये शफात करेगा अल्लाह ओदी शफात कबूल कर लेगा। अपने चुमन वाले दी अल्लाह दे दरबार च गवाही देगा। मोहब्बत मैं रह नहीं सकता कहना तो असवद अपने चुमन वाले पछाणेगा भावे कोई अरबी होवे भावे कोई अजमी होवे भावे कोई शामी होवे भावे कोई रूमी होवे भावे कोई पाकिस्तानी होवे भावे कोई हिंदुस्तानी होवे भावे कोई इंग्लैंड का बाशिंदा होवे भावे किसे रंग का होवे भावे किसे नस्ल का होवे जिन्हें एक बारी एक बारी एक बारी एक बारी सिर्फ हजरे असवद नूं चुमिया होवेगा हजरे असवद नूं पहचान भी लवेगा ओदे चुमन की गवाही भी देवेगा। चुन्नी रोजाना कई कई बारी किस नफी का ना चुम के अखाते लावे ने पत्थरां नूं कलमा पढ़ाण वाला नबी अपने गुलामां नूं पहचान के शफात क्यों ना करे। जनाबे इब्राहिम ते जनाबे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ बना लिया। अल्लाह दा कुरान दसदा है मुख्तसर करना वा जनाबे इब्राहिम ते इस्माइल ने जो बुनियादा चुक लिया बुनियादा चुक के दुआ मंगी रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जुमला सुनी ते मैं अपने पते दी गल दसण लगा भावे कोई शिया है भावे कोई सुन्नी है भावे कोई अहले हदीस है भावे कोई दियोबंदी है
गल सच्ची होवे ते ए नहीं सोचना बरेलवी गल कर रहा है, ये देखना है गल कित्थों कर रहा है, जे मनन भी चाहे ते मन के जाना ही। हजरात गिरामी अल्लाह दा कुरान दसदा है, इब्राहिम ते इस्माइल ने अर्ज किया है अल्लाह असां काबा बना लिया ही, साडी तरफों काबा कबूल कर ले, इस नेकी नूं कबूल कर ले। जेड़े लोग जनाजा पढ़ के कहंदे ने दौड़ जाओ दुआ नहीं जे मंगनी, उन्हां नूं सिर्फ साइना इंटरोगेशन लगा के हाशमी इन्ना कहना चाहता है, मुताले विच गुस्सा पैदा करो। अल्लाह दा कुरान दसदा है नेक कम करके दुआ मंगना अल्लाह दे नबियां दी सुन्नत है। मनासिक इबादत सिखा नाले सानू उस रसूल दा बाबा बना, वो रसूल साडी औलाद विच भेज दे जिस रसूल दी इज्जत दीआं लहंदे चढ़दे धुम्मां मचीआं होईआं ने। लो हजरात गल नूं मुख्तसर करन लगा, हजरत जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बहुत सारी दुआवां मंगियां। नुज़हतुल मजालिस विच इक दुआ ए भी ए कि ए सिर्फ दो जाने नहीं सन, पांच जाने सन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बीबी हाजरा, बीबी सारा, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम। हजरत पंजा ने जदों खाना काबा शरीफ बना लिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मंगी, अल्लाहुम्मा मन हज्जा हाज़ल बैता मिन शुयूखी उम्मती मुहम्मदिन फशफ्अनी फीही, ए अल्लाह मैं दुआ करना तेरे महबूब नबी मुहम्मद की उम्मत विचों जेड़े बुढ़े आदमी इस घर दा हज करनगे उन्हां दे हक च मेरी शफाअत कबूल कर ले। जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हाथ चुके अर्ज किया, अल्लाहुम्मा मन हज्जा हाज़ल बैत मिन शबाब उम्मत मुहम्मद फशफ्अनी फीही, मौला तेरे महबूब नबी मुहम्मद की उम्मत विचों जेड़े नौजवान इस घर दा हज करनगे उन्हां दे हक च मेरी शफाअत कबूल कर ले। जनाब इसहाक ने अर्ज किया, मौला जेड़े कुहूले उम्मते मुहम्मदी हज करनगे इस घर दा उन्हां दे बारे च मेरी शफाअत कबूल कर ले। बीबी सारा ने उम्मते मुस्तफा दीआं औरतां दे हक च दुआ कीती, बीबी हाजरा ने उम्मते मुस्तफा दे गुलामां ते लौंडियां दे हक च दुआ कीती। मेरे नबी ने गल अपने सहाबा नूं सुनाई, फरमाया सहाबा हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, नेकी दा बदला नेकी तो इलावा की हो सकदा है, सुनिया की करिए। फरमाया मेरे दादिया ने तुहानू याद कीता है, हुण तुहाडा फर्ज बनदा है तुसी भी याद करो। अर्ज कीता सोहणिया किस तरह, फरमाया उन्होंने तुहाडे वास्ते दुआए बख्शिश मंगी है, तुसी हर नमाज विच इब्राहिम ते आले इब्राहिम ते दुरूद भेजिया करो। तकरीर मुकान लगा, आखरी गल आखरी रिवायत, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने जदों कियामत दा दिन होवेगा खाना काबा अल्लाह दी बारगाह चर्ज करेगा, मौला मुद्दतां बीत गईयां, लखां गुनाहगारां ने लोगों ने मौला मेरी जियारत की थी बख्शे गए, मेरे नजदीक आके ख्वाहिशा इतनिया तू पूरिया की दिया मन लिया, मौला आज जे तेरी इजाजत होवे मेरी एक ख्वाहिश करा। फरमाया ऐ मेरे बैत कर ख्वाहिश, अर्ज करेगा काबा मौला मैनू इजाजत दे दे मैं तुर के मदीने जावा गुंबद खजरा दी हाजरी। रजा ने कमाल कर दिता, कहते ने हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा चूके काबे का पादे को काबा तो देख, चूके काबे का
खाना काबा सरकार दी बारगाह च आके दुरूद ओ सलाम पेश करेगा, नाले अर्ज़ करेगा सोहणिया तिन्ना बंदियां दे बारे तुसी फिक्र नहीं करना, एक तुहाडा ओ उम्मती जिहड़ा मेरा तवाफ कर गया, मेरी ज़ियारत कर गया, दूसरा तुहाडा ओ उम्मती जिहड़ा घरों मेरे हज मेरे उमरे दा इरादा लैके निकलिया पर रस्ते ने ओ रस्ते विच ओनू मौत ने आन लिया, तीसरा तुहाडा ओ उम्मती जिहदे दिल विच मेरी ज़ियारत तमन्ना ही बन के बैठी रही, जिन्हों हालात ने कदे मौका नहीं दिता, सोने तुसी बाकी उम्मतियां दा फिक्र करना, इन्हां तिन्नां दा फिक्र ना करना, क्योंकि इन्हां तिन्नां दी बरोज़े हशर शफाअत मैं करांगा। इंतजामिया ने भी इजाजत दी है 5 मिनट दोस्त गुफ्तगू करने के किसी दोस्त ने भी उठना नहीं, इन्हां दा मकसद कोई चंदा इकट्ठा करना नहीं, सिर्फ तुहाडी इस्लाम मकसूद है।